तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक इन्वर्टर रखा हुआ है। काफी पुराने मॉडल का इन्वर्टर है और ये ट्रांजिस्टर बेस्ड इन्वर्टर है। अभी ट्रांजिस्टर बेस्ड इन्वर्टर क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। आजकल आपने देखा होगा कि इन्वर्टर जितने भी आते हैं सब मॉस्फेट बेस्ड होते हैं, यानी सब मॉस्फेट के ऊपर वर्क करते हैं। लेकिन ये जो इन्वर्टर है ये ट्रांजिस्टर बेस्ड इन्वर्टर है, यानी इसकी जो आउटपुट है वो ट्रांजिस्टर के थ्रू आती है। आपको अंदर से दिखाते हैं, देखिए कैसा दिखाई पड़ता है। ये देखिए अंदर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है और ये सारे इसमें डायोड और ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं। डायोड जो है चार्जिंग के लिए है और ट्रांजिस्टर्स जो है इसमें आउटपुट के लिए दे रखे हैं। देखिए ये अंदर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, इसमें ये सारे पार्ट्स यूज किए गए। ये सब सर्किट वगैरह सब इसका हैंडमेड है, कोई ब्रांडेड नहीं है, सभी हाथ से बनाया जाता था। काफी पहले ये यूज हुआ करता था। और इसमें देखिए तीन रिले यूज किए गए हैं, ये वो एक आउटपुट और चार्जिंग के लिए है, बाकी चार्जिंग और चार्जिंग कट वगैरह के लिए रिले यूज की गई है। एक टिकर ट्रांसफॉर्मर यूज किया गया है जो कि 909 है, अजीब ट्रांसफॉर्मर। ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये ट्रांसफॉर्मर इसका ओवरलोड के लिए यूज किया गया है। ये रेजिस्टेंस बहुत काम की है, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होगी तो ट्रांसफॉर्मर इसका अक्सर चलेगा, क्योंकि चार्जिंग हाई होने पर रेजिस्टेंस जल जाती है। अगर रेजिस्टेंस नहीं चलेगी तो फिर ट्रांसफॉर्मर जलने के चांस रहते हैं। और चार्जिंग के लिए भी इसमें देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, बहुत अच्छा सिस्टम दे रखा है। इसमें देखिए एक ये रोटरी दे रखा है, रोटरी की मदद से चार्जिंग हाई या लो हो जाती है। आपको चला कर बताते हैं, चार्जिंग बढ़ाकर और घटाकर बताते हैं। चलिए इसे पहले ऑन करते हैं, इसे पहले ऑन करेंगे उसके बाद फिर आपको चला कर बताएंगे। बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अब इसे मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं। ये देखिए मेन लाइन से हमने इसे कनेक्ट कर दिया, चार्जिंग इसने स्टार्ट कर दी है। अब देखिए इसमें जो रोटरी दे रखा है, रोटरी की मदद से हम ये देखिए एम्पियर मीटर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए चार्जिंग कम और ज्यादा हो रही है रोटरी की मदद से। तो ये इन्वर्टर उस दौर के हैं जब इलेक्ट्रिसिटी का कट बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो कभी किसी के कस्टमर के पास अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कम हुआ करती थी, बैटरी डाउन होती थी, तो फिर रोटरी की मदद से बढ़ा लिया करते थे, चार्जिंग बढ़ा ली जाती थी जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती थी। और जब लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी सही आ रही है, बैटरी चार्ज है, तो फिर चार्जिंग कम कर ली जाती थी। देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, बैटरी फुल चार्ज हो जाती थी तो उसमें चार्जिंग कट का भी ऑप्शन है, बैटरी चार्जिंग कट भी हो जाती थी। अब आपको इसे ट्रांजिस्टर्स दिखाते हैं, जो ट्रांजिस्टर्स इसमें लगे हुए हैं। ये देखिए ये ट्रांजिस्टर्स इसमें लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये आउटपुट निकालता है। आपको ट्रांजिस्टर की साइड से भी दिखाते हैं, ये देखिए इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ आठ ट्रांजिस्टर के दो चैनल हैं और ये सब एक एल्यूमिनियम की हीट सिंक पर लगाया गया है। अगर ये हीट सिंक पर नहीं होंगे तो फिर ये बहुत ज्यादा गर्म पड़ेंगे और फिर जल्दी खराब हो जाएंगे। हीट सिंक पर लगाने का मकसद इसमें ये रहता है कि ये गर्म ना पड़े और लोड अच्छे से उठा सकें। तो दोस्तों, आपने ये काफ़ी पुराने ज़माने का इन्वर्टर शायद बहुत सारे लोगों ने पहली बार देखा हो या बहुत सारे लोग इसे देख भी चुके होंगे, तो आपको बताइए इन्वर्टर आपको कैसा लगा। अगर ये इन्वर्टर पसंद आया हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।